Welcome back, friends, in your own channel Mining Support. यहाँ पे हम winding, cages and shaft fittings के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? जो EMT Volume 3 का part है, ठीक है? Chapter 11 है आपका, ठीक है? Winding, cages and shaft fittings के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? बोला जा रहा है ना कि for hoisting of mineral from an underground mines and for lowering and raising of men a lift like conveyance called cage on the skip is used. ठीक है, मतलब हम लोग कोई भी मटेरियल को होस्ट करने के लिए, मतलब ऊपर उठाने के लिए अंडरग्राउंड माइंस से, लोअरिंग या रेजिंग करने के लिए भी हम लोग एक लिफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग केज या तो स्किप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड केज और स्किप, ठीक है. अदर इक्विपमेंट्स फॉर रेजिंग ऑफ मिनरल्स एंड मैन इंक्लूड्स, ठीक है, मैन और मिनरल्स को रेज करने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट इंक्लूडेड है, ठीक है, तो देखते हैं क्या. ए टावर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट कॉल्ड हेड गियर, ठीक है, एक टावर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग हेड गियर कहते हैं, ओके. ए टावर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट ऑल्सो कॉल्ड हेड गियर. दूसरा नंबर आता है वाइंडिंग रॉप, वाइंडिंग रॉप. तीसरा आता है अटैचमेंट गियर, अटैचमेंट गियर बिटवीन द केज एंड द रॉप, ठीक है, अटैचमेंट गियर जो होता है केज और रॉप के बीच में होता है, सच एज केज चेन रॉप कैपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट, ठीक है, सच एज केज चेन रॉप कैपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट, ठीक है, अटैचमेंट गियर बिटवीन केज एंड रॉप, ठीक है, अटैचमेंट गियर जो केज और रॉप के बीच में क्या क्या अटैचमेंट गियर है, मैंने क्या क्या वस्तुएं हैं, तो पहला आया था क्या, केज चेन, रॉप कैपल और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट, ठीक है, केज चेन, रॉप कैपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट, ओके. नेक्स्ट आता है क्या, हेड गियर पुली, जो सबसे ऊपर में रहता है पुली, इसको बोलते हैं हेड गियर पुली. फिर तीसरा नंबर आता है वाइंडिंग ड्रम, ठीक है, फिर आता है वाइंडिंग ड्रम. वाइंडिंग ड्रम के बाद हमारा पॉइंट आता है स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट्स कंट्रोलिंग अपैरेटस, ठीक है, स्टीम इंजन या तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है एंड उसका कंट्रोलिंग अपैरेटस होता है, ठीक है. अरेंजमेंट्स फॉर गाइडिंग द केज ड्यूरिंग इट्स एसेंट एंड डिसेंट, और एसेंट और डिसेंट में केज को गाइड करने के लिए गाइड रॉप वगैरह होता है, ठीक है, इतने सारे वस्तुएं होती है, ठीक है. हेड गियर क्या है, ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आता है हेड गियर, व्हाट इज हेड गियर, ठीक है, तो बोल रहा है ना द हेड गियर इज ए स्टील और कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क, ठीक है, हेड गियर एक स्टील या तो कॉन्क्रीट का बना हुआ फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, ऑन द शाफ्ट माउथ, ठीक है, शाफ्ट माउथ में होता है, ठीक है. इट्स पर्पस इज, हेड गियर का क्या क्या पर्पस है, अच्छे से ध्यान दे करके सुने, ठीक है, बोल रहा है ना टू सपोर्ट द हेड गियर पुली, ठीक है, पहला तो काम ये तो जान नाम से ही क्लियर हो रहा है, हेड गियर का क्या काम है ना, टू सपोर्ट द हेड गियर पुली इज टू वेट ऑफ होस्टिंग रॉप, और होस्टिंग रॉप को क्या करना है, टांग के रखना है, टू वेट ऑफ द होस्टिंग रॉप्स केजेस एंड द रॉप गाइड्स, ठीक है, केज रॉप गाइड्स को होस्ट करना है, ठीक है, मतलब वेट करना है, ठीक है, तोल के रखना है, टांग के रखना है, टू गाइड द केज टू द बैंकिंग लेवल, ठीक है, केज को बैंकिंग लेवल तक गाइड करना है, वो काम किसका है, हेड गियर का है, टू गाइड द केज टू द बैंकिंग लेवल, ओके, टू गाइड द केज अप टू द बैंकिंग लेवल, इट शुड विदस्टैंड डेड एंड लाइव लोड्स एंड विंड प्रेशर, ठीक है, ये इतना मजबूत होना चाहिए कि ये अपने आप को टिका रखे, मैंने टांग के रखे या तो बने रहे, किस में, लीव और लीव लोड्स या विंड प्रेशर में, डेड एंड लीव लोड्स, ठीक है, लाइव लोड्स हो या तो डेड कोई वस्तुएं हो, ठीक है, या तो विंड प्रेशर कितना भी तेज क्यों ना हो, उस पर भी ये अपने आप को विदस्टैंड रखे, मैंने अपने आप को बनाए रखे उस पोजिशन पर, ठीक है, तो हेड गियर पुली इतना ही मजबूत ढांचा का बना हो, ठीक है. द डेड लोड्स ऑन द हेड गियर आर रिस्पॉन्सिबली कॉन्स्टेंट एंड कैलकुलेबल, ठीक है, मतलब डेड लोड्स जो भी कोई भी वस्तुएं लकड़ी वगैरह है ना सपोर्ट के लिए, या तो अदर कोई भी एसेसरीज ले जाते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं ना कि कैलकुलेबल जो है कि कॉन्स्टेंट वेट होना चाहिए और कैलकुलेबल होता है, ठीक है, कि उतना ही लोड हम लोग उस पर ले जा सकते हैं, ठीक है. द डेड लोड ऑन हेड गियर आर रीजनेबली कॉन्स्टेंट एंड कैलकुलेबल, बट द लाइव लोड्स
ड्यू टू वाइंडिंग इज अ वेरिएबल वन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द रॉप इन द शाफ्ट एंड द कंटेंट्स ऑफ द केज एंड द रेट ऑफ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन. ठीक है, और लाइव लोड को किस कितने लाइव लोड को ले जाएंगे वो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन पर है ना केज का डिपेंड करता है. ठीक है, अगला पॉइंट आता है हेड गियर्स यूज्ड फॉर टावर माउंटेड कॉपे वाइंडर्स आर डिजाइन टू कैरी इन एडिशन द लोड ऑफ मोटर्स. ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आता है क्या, हेड गियर्स यूज्ड फॉर टावर माउंटेड कॉपे वाइंडर्स. ठीक है, टावर माउंटेड और कॉपे वाइंडर होता है. ठीक है, ऐसा हेड गियर यूज्ड फॉर टावर माउंटेड कॉपे वाइंडर्स आर डिजाइन टू कैरी इन एडिशन द लोड ऑफ मोटर्स वाइंडिंग पुली. ठीक है, वाइंडिंग पुली एंड अदर इक्विपमेंट फॉर वाइंडिंग. ठीक है, तो मतलब कॉपी वाइंडर्स जो होता है वो डिजाइन होता है कि हैवी एक्स्ट्रा लोड को भी वहन करने का, मैंने उसको कैरी करने का. ठीक है, तो इसमें कॉपी वाइंडर्स होता है जो डिजाइन ये होता है कि हैवी एक्स्ट्रा जैसे कि लोड ऑफ मोटर्स हो गया काफ़ी हैवी होता है. ठीक है, वाइंडिंग पुली हो गया. ठीक है, और अदर इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉपी वाइंडर से ले जाया जा सकता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, द हेड गियर कंसिस्ट ऑफ नियरली वर्टिकल कॉलम्स ऑफ गार्डर्स. ठीक है, हेड गियर जो है नियरली वर्टिकल कॉलम्स ऑफ गार्डर और गार्डर को कंटेन करता है गार्डर ब्रेकेट ब्रेस्ड विथ हॉरिजॉन्टल गार्डर्स. ठीक है, द मेंबर्स नैरो एट द टॉप एंड बेटर्ड एट 1:80 1:8. ठीक है, द मेंबर्स नैरो एट द टॉप. ठीक है, द मेंबर्स नैरो एट द टॉप एंड बेटर्ड एट 1:8 टू 1:10 फॉर ए लार्जर विड्थ ऑफ द फाउंडेशन. ठीक है, तो कोई भी नैरो मेंबर जो हम लोग यूज़ करते हैं टॉप में तो वो बेटर्ड होता है किसमें, 1:8 से 1:10 फॉर ए लार्जर विड्थ ऑफ द फाउंडेशन. ठीक है, जिसका ग्रेडियंट इतना में होना चाहिए, 1:8 से 1:10. ठीक है, द टॉप ऑफ द हेड गियर हैज ए स्टील प्लेटफॉर्म. अब सबसे पॉइंट ये जानकारी वाला है क्या कि टॉप ऑफ द हेड गियर हैज ए स्टील प्लेटफॉर्म. हेड गियर का टॉप किस तरह से होना चाहिए, द टॉप ऑफ ए हेड गियर द टॉप ऑफ द हेड गियर हैज ए स्टील प्लेटफॉर्म. हेड गियर का जो टॉप होता है वो स्टील प्लेटफॉर्म का बना होता है. ठीक है ना, हेड गियर जो है उसका टॉप जो है स्टील प्लेटफॉर्म का बना होता है और प्लेट एंड द बुश बियरिंग ऑफ द वाइंडिंग्स वाइंडिंग पुली रेस्ट ऑन द वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द हेड गियर. ठीक है, द टॉप ऑफ द हेड गियर हैज ए स्टील प्लेटफॉर्म और प्लेट एंड द बुश बियरिंग ऑफ द वाइंडिंग पुली रेस्ट ऑफ द वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द हेड गियर फ्रेम. इट इज़ यूजल टू डिज़ाइन द अपराइट मेंबर्स ऑफ द हेड गियर. ठीक है, ये यूजली ऐसे डिजाइन करते हैं जो अपराइट खड़ा हो, मैंने सीधे वर्टिकल खड़ा होता है क्या हेड गियर पे. ठीक है, इट इज़ यूजल टू डिज़ाइन द अपराइट मेंबर्स ऑफ द हेड गियर. ठीक है, द टॉप ऑफ द हेड गियर हैज़ ए स्टील प्लेटफॉर्म. सबसे बड़ी बात की हेड गियर का टॉप ऑफ द हेड गियर क्या होता है, स्टील प्लेटफॉर्म का बना होता है. प्लेट एंड द बुश बियरिंग ऑफ द वाइंडिंग पुली रेस्ट ऑन द वर्टिकल मेंबर्स. ठीक है, बुश बियरिंग प्लेट और वाइंडिंग पुली जो भी है वर्टिकल मेंबर पर ही रेस्ट करते हैं, मैंने लटका हुआ रहता है. ठीक है, इट इज़ यूजुअल टू डिज़ाइन द अपराइट मेंबर्स ऑफ द हेड गियर. अब यहाँ पे आप हमारा हेड गियर का ढांचा वगैरह है. ठीक है, तो सबसे टॉप में होता है हेड गियर पुली जिसका डाया होता है 4.2 मीटर. ठीक है, डिटैचिंग बेल होता है, फिर उसके बाद फ्रंट लेग्स होता है, फिर मैन लेग्स होता है, फिर बैक लेग्स होता है. ठीक है, इस हिसाब से लेजर भी होता है, लेडर होता है और फ्रंट लेग्स जो कि 0.26 मीटर होता है और 4.2 होता है क्या मैन लेग्स का डिस्टेंस होता है, लेडर से मैन लेग्स का डिस्टेंस 15 मीटर होता है. ठीक है, इस हिसाब से ये पूरा फिगर हमको यही बता रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, टेंशन इन द वाइंडिंग रॉप्स आर मार्क्ड. ठीक है, तो वाइंडिंग रॉप्स में किस तरह का टेंशन किस तरह से क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो देख लेना है. पहले वाइंडिंग ड्रम है, वाइंडिंग रॉप एक नीचे से गया एक ऊपर से गया. ठीक है, वो हेड गियर से लपेटा लिया, फिर उसके बाद हेड गियर फ्रेम से वो केज को कैरी करने के लिए T1 टेंसर है और T2 टेंसर अनदर एंड पे है. ठीक है, वो जब फाइनली मिक्स करता है तो उसका क्या बोलते हैं ना रिजल्टेंट आता है. ठीक है, जो रिजल्टेंट इस एंगल से आता है. ठीक है, बैक लेग हेड गियर, द लेवल ऑफ जॉइस्ट कैरिंग द डिटैचिंग प्लेट और बेल अबव द डेकिंग लेवल इज इक्वल टू द ओवरऑल हाइट ऑफ द केज और स्कीप. ठीक है, बोला लेवल ऑफ जॉइस्ट कैरिंग द डिटैचिंग प्लेट और बेल अबव द डेकिंग लेवल इज इक्वल टू द ओवरऑल हाइट ऑफ द केज. ठीक है,
मतलब कि डिटैचिंग प्लेट का जो लेवल है अबव द डेकिंग लेवल इज इक्वल टू द ओवरऑल हाइट, ओवरऑल हाइट के इक्वल होना चाहिए किसका, केज का। और बोल रहा है कि प्लस द लेंथ ऑफ केज चेन एंड सस्पेंशन गियर, ठीक है, प्लस ए मार्जिन ऑफ 3.7 मीटर, ठीक है, द लेवल ऑफ जॉइस्ट कैरिंग द डिटैचिंग प्लेट और बेल अबव द डेकिंग लेवल इज इक्वल टू द ओवरऑल हाइट और ऑफ केज या स्किप, ठीक है, प्लस द लेंथ ऑफ केज चेन, द लेंथ ऑफ केज चेन एंड सस्पेंशन गियर प्लस मार्जिन ऑफ 3 से 7 मीटर, 3 to 7 मीटर, दिस मार्जिन इज 3 to 7 मीटर अलाउज द केज टू बी लिफ्टेड फॉर मटेरियल टू द स्लंग बीनेथ इट, ठीक है, कोई मैन और कोई मटेरियल को 3 से 7 मीटर का जो है मार्जिन छोड़ा जाता है, किस में ना, केज में, ठीक है, 3 से 7 मीटर का मार्जिन छोड़ा जाता है केज में टू लिफ्ट, टू बी लिफ्टेड फॉर मटेरियल्स टू बी स्लंग बीनेथ इट, ठीक है, द हेडगियर पुली शुड बी एट सच ए हाइट अबव द डिटैचिंग प्लेट दैट द रॉप केपल इज रिलीज बिफोर इट कम्स इन टू द कॉन्टैक्ट विथ हेडगियर पुली, ठीक है, बताया जा रहा है कि हेडगियर पुली शुड बी एट सच ए हाइट, ठीक है, हेडगियर पुली इतने ऊंचा में हो, ठीक है, अबव द डिटैचिंग प्लेट, ठीक है, डिटैचिंग प्लेट से, दैट द रॉप केपल इज रिलीज बिफोर इट, ठीक है, इस हिसाब से हो कि रॉप केपल जो है रिलीज करे बिफोर इट, रॉप केपल जो है, रॉप केपल इससे पहले ही छूटे, रिलीज निकल जाए, ठीक है, रॉप केपल इज रिलीज बिफोर इट कम्स इन टू द कॉन्टैक्ट विथ हेडगियर पुली, ठीक है, हेडगियर पुली में कॉन्टैक्ट होने से पहले ही रॉप केपल निकल जाए, द डिस्टेंस इज अबाउट 3 मीटर, ठीक है, द हेडगियर पुली शुड बी एट सच ए हाइट अबव द डिटैचिंग प्लेट दैट द रॉप केपल इज रिलीज बिफोर इट कम्स इन टू द कॉन्टैक्ट विथ हेडगियर पुली, ओके, द डिस्टेंस इज अबाउट 3 मीटर, और उसका डिस्टेंस अबाउट 3 मीटर होता है, ठीक है, हेड के हेडगियर पुली और रॉक केपल का डिटैचिंग प्लेट, सॉरी, हेडगियर पुली और डिटैचिंग प्लेट का जो डिस्टेंस होता है, हेडगियर पुली और डिटैचिंग प्लेट का डिस्टेंस हमारा 3 मीटर के अबाउट होता है, ठीक है, द विंड प्रेशर इज टेकन एज 1340 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, विंड प्रेशर हमारा 1340 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द हेडगियर फ्रेम, ठीक है, तो विंड प्रेशर कितना के बीच में हम लोग कैरी टेकन करते हैं, तेरह सौ चालीस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में, ठीक है, नेक्स्ट आता है हेडगियर पुलिस के बीच में डिस्क्रिप्शन, ठीक है, द हेडगियर पुलिस शुड हैव ए लार्ज एज ए डायमीटर एज पॉसिबल टू मिनिमाइज बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, हेडगियर पुली का डायमीटर इतना हो कि उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस को मिनिमाइज कर सके इन द वाइंडिंग रॉप, ठीक है, वाइंडिंग रॉप में जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज कर सके, इट्स डायमीटर शुड बी एटलीस्ट 100 टाइम्स ऑफ द रॉप डायमीटर, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्या कि इट्स डायमीटर शुड बी एटलीस्ट 100 टाइम्स ऑफ द रॉप डायमीटर, ठीक है, रॉप के डायमीटर्स का 100 टाइम्स है उसका डायमीटर, किसका, हेडगियर पुली का, ठीक है, द हेडगियर पुली हैव अ डायमीटर लार्ज डायमीटर एज पॉसिबल टू मिनिमाइज बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, हेडगियर पुली का डायमीटर इतना बड़ा हो कि वो बेंडिंग स्ट्रेस को मिनिमाइज करे, लेकिन साथ ही साथ इसका डायमीटर इतना ज्यादा हो कि रॉप डायमीटर से 100 टाइम्स ज्यादा हो, ठीक है, पुली ऑफ ओवर 2.5 मीटर डायमीटर आर जनरली कंस्ट्रक्टेड इन टू हाफ्स एंड बोल्टेड टुगेदर, ठीक है, पुली जो है कि डायमीटर डायमीटर का हो, द पुली ऑफ ओवर 2.5 मीटर डायमीटर आर जनरली कंस्ट्रक्टेड इन टू हाफ्स एंड बोल्टेड टुगेदर, नॉर्मली द डायमीटर ऑफ द ग्रूव ऑफ द हेड गियर पुली शुड बी, ठीक है, मतलब नॉर्मली द डायमीटर ऑफ द ग्रूव ऑफ द हेड गियर पुली शुड बी 110% ऑफ द रॉप डायमीटर फॉर स्ट्रैंडेड रॉप्स एंड 105% फॉर लॉक्ड कॉयल रॉप्स, ठीक है, डायमीटर जो है ग्रूव क्या हो रहा है कितना, हेड गियर पुली का जो 110% क्या होता है, शुड बी 110% ऑफ द रॉप डायमीटर, रॉप डायमीटर के 110% से मैंने ज़्यादा जो है ग्रुप क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, डायमीटर पुली का, ठीक है, और रॉप डायमीटर फॉर स्टैंडर्ड रॉप 105 मीटर, ठीक है, 100, ठीक है, 110 मीटर होता है रॉप स्टैंडर्ड रॉप्स के लिए, 110% ज़्यादा होता है ग्रुप क्या हुआ, लेकिन बोल रहा है कि 105% ज़्यादा होता है फॉर लॉक्ड कॉयल रॉप्स, ठीक है, लॉक्ड कॉयल रॉप्स, ठीक है, लॉक्ड कॉयल रॉप्स, दिस इंश्योर दैट 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रूव, और सबसे बड़ी बात कि ये सब करने का पीछे राज क्या है कि इस करना है, इसलिए इंश्योर करना है कि 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप, ठीक है, 1/3
वन थर्ड ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रुप, ठीक है, वन थर्ड ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप जो है कि रॉप का वन थर्ड जो है कि किससे कॉन्टेक्ट में हो, वन थर्ड ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के साथ एक तिहाई जो है कॉन्टेक्ट में हमेशा रहे, किसका, द हेडगियर पुल्ली के साथ, ठीक है, और लेसर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कॉज एक्सेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, लेसर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने कॉन्टैक्ट एंगल यदि कम रहेगा तो एक्सेसिव स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा, ठीक है, रॉप में एक्सेसिव स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा एंड वियर ऑफ द पुली, और पुली उतना ही ज़्यादा टूटेगा, ठीक है, द हेडगियर पुली इज कीड टू ए माइल्ड स्टील फॉर्ज्ड, ठीक है, हेडगियर पुली जो है की किया रहा था, कीइंग किया रहा था टू ए माइल्ड स्टील फॉर्ज शाफ्ट विच रेस्ट अ प्लेन बुस्ट जर्नल बियरिंग्स, ठीक है, द एंगल ऑफ फ्लीट विच इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली एंड द रॉप वैन द केज इज एट द पिट, बोरा एंगल ऑफ फ्लीट विच इज द एंगल, अब यहाँ सबसे बड़ी बात कि फ्लीट एंगल क्या है, ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्लीट विच इज एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली, ठीक है, द इट इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली, वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली, पुली के वर्टिकल प्लेन से जो एक एंगल बना होता है, इट इज एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली एंड द रॉप, वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली, वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली, वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली, वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली एंड रॉप बिटवीन द एंड रॉप व्हेन द केज इज एट पिट टॉप और पिट बॉटम, ठीक है, बोरा इट इज अ विच इज एन एंगल, एंगल ऑफ फ्लीट विच इज एन एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली, वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली, वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली एंड द रॉप व्हेन द केज इज इन व्हेन द केज एंड द रॉप वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली एंड द केज वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली एंड द रॉप व्हेन द केज इज एट द पिट टॉप और पिट बॉटम दैट शुड नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री, ठीक है, जो 1.5 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड ना करे, मोर फ्लीट एंगल रिजल्ट इन वियर ऑफ द रॉप एंड वियर ऑफ द पुली ऑल्सो, ठीक है, ज़्यादा फ्लीट एंगल रहेगा तो रॉप और पुली दोनों टूटेगा, ठीक है, जो एंगल इस तरह से है, ठीक है, एंगल ऑफ फ्लीट जिसको हम बोल सकते हैं ना, फ्लीट एंगल जो है देख लीजिए फिगर में डायग्राम में, ठीक है, फ्लीट एंगल यही कहते हैं हम लोग, ठीक है, ड्रम वाइंडिंग ड्रम है, फ्लीट एंगल जो है इस कदर हमारा फ्लीट एंगल मेंटेन रहता है, ठीक है, ये वायर जा रहा है सीधे नीचे, ठीक है, एक वायर नीचे जा रहा है, एक वायर ऊपर जा रहा है, ठीक है, इनसाइड फ्लीट एंगल आउटसाइड फ्लीट एंगल, ठीक है, इनसाइड फ्लीट एंगल हमारा ये है कि वो पुल्ली के साथ गया, ठीक है, और पुल्ली के साथ जो गया मतलब इधर से पुल्ली के साथ गया और पुल्ली के साथ एक केज के साथ नीचे आया, तो ड्रम और पुली दोनों के बीच में जो एक एंगल बनता है उसको हम लोग फ्लीट एंगल कहते हैं, वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, द शाफ्ट ऑफ टू हेडगियर पुली विच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देयर प्लेन्स ऑफ रोटेशन आर वर्टिकल एंड पैरेलल, ठीक है, इन केस ऑफ कॉपे वाइंडर्स ग्राउंड माउंटेड द प्लेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ द टू हेडगियर पुलीज आर वन बिलो अनदर, ठीक है, इन केस ऑफ कॉपे वाइंडर के केस में ग्राउंड माउंटेड, ठीक है, ग्राउंड माउंटेड द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ टू हेड गियर्स, प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ टू हेड गियर पुली एंड वन बिलो अनदर, ठीक है, वन बिलो अनदर, ठीक है, द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ टू हेड गियर पुलीज आर वन बिलो अनदर, ठीक है, दो नॉट वर्टिकली वन बिलो अनदर, ठीक है, देयर फोर वर्टिकली नहीं होगा एक दूसरे के नीचे लेकिन वन बिलो अनदर होना चाहिए, देयर इज देयर फोर नो फ्लीट एंगल इन द केस ऑफ कॉपी वाइंडर, तो सिंपली एक ध्यान रखना कि कॉपी वाइंडर जो है होता है जिसमें से एक पुली दूसरे पुली के नीचे होता है, वर्टिकली नीचे नहीं होता है लेकिन एक पुली दूसरे पुली के नीचे होता है, इसलिए कॉपी वाइंडर्स में कोई फ्लीट एंगल नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, ये कॉपी वाइंडर्स का केस है, ठीक है, जिसमें एक पुली दूसरे पुली के नीचे है तो कोई फ्लीट एंगल नहीं बनता है, ठीक है, अब ये ड्रम वाइंडर इज यूज्ड एन अरेंजमेंट ऑफ ड्राइविंग सीव एंड पुली इन कॉपी वाइंडर वाइंडिंग लेफ्ट, ठीक है, कॉपी वाइंडर जो है लेफ्ट में है और टावर माउंटेड और राइट ग्राउंड माउंटेड, और राइट जो है ग्राउंड माउंटेड है, ठीक है, ए ड्रम
इफ ए ड्रम वाइंडर इज यूज फॉर डीप शाफ्ट, ठीक है, इफ ए ड्रम वाइंडर इज यूज फॉर डीप शाफ्ट इट मे बी नेसेसरी टू कंसिडर डबल लेयर कॉइलिंग ऑफ रॉप, ठीक है, मतलब एक ड्रम वाइंडर जो है कि डीप शाफ्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि नेसेसरी टू कंसिडर ड्रम ड्रम लेयर, ठीक है, इट शुड बी कंसिडर, ठीक है, टू कंसिडर डबल लेयर कॉइलिंग ऑफ रॉप, ठीक है, तो रॉप का डबल लेयर कॉइलिंग होना चाहिए, ठीक है। ड्रम वाइंडर यदि डीप शाफ्ट के लिए यूज़ हो रहा है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसको डबल लेयर कॉइलिंग ऑफ रॉप होना चाहिए, रॉप का कॉइलिंग जो है डबल लेयर होना चाहिए, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट ऑल टाइप ऑफ ऑल द रॉप्स ऑन द ड्रम एंड कीप द फ्लीट एंगल लिमिटेड टू 1.5 डिग्री, ठीक है, तो रॉप का जो है कॉइलिंग डबल लेयर होना चाहिए और इसलिए कि ऑल द रॉप ऑन द ड्रम एंड कीप द फ्लीट एंगल लिमिटेड टू 1.5 डिग्री, और फ्लीट एंगल को लिमिट करके रख सके जो 1.5 डिग्री तक हो, ठीक है। अब अगला आता है हेड गियर पुल्ली, ठीक है, मैंने हेड गियर इज इसेंशियल एंड शाफ्ट हैज ऑल्सो द संक डीपर देन लेवल ऑफ द मिनरल बेड एज कम्पेयर टू द केज वाइंडिंग। केज अटैचमेंट में देखते हैं पहले क्या आता है, केज अटैचमेंट में पहले आता है रॉप, फिर कैपल, फिर डी लिंक, फिर आता है डिटैचिंग हुक, फिर आता है डी लिंक के बाद फिर आता है डी लिंक, डिटैचिंग हुक के बाद फिर डी लिंक, फिर बुल चेन, फिर डी लिंक, बुल चेन, फिर डी लिंक, मैंने डी लिंक, बुल चेन, फिर डी लिंक, फिर आता है ट्रायंगुलर प्लेट, फिर आता है केज चेन, केज चेन ट्रायंगुलर प्लेट के बाद आता है केज चेन, फिर आता है हैंगर्स, ठीक है, केज चेन के बाद हैंगर्स आता है, फिर आता है केज, ठीक है, उसके बाद हुप आता है, ठीक है, केज उसके ऊपर उसके नीचे जस्ट हुप आता है, हुप में ही हमारा हैंगर्स टंगा हुआ रहता है, ठीक है, यही हमारा केज अरेंजमेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले रॉप, फिर कैपल, फिर डीलिंग, फिर डिटैचिंग हुक, फिर डीलिंग, फिर बुल चेन, फिर डीलिंक, फिर ट्रायंगुलर प्लेट, फिर केज चेन्स, फिर हैंगर्स, ठीक है, केज चेन किस में, हैंगर्स में टंगा होता है, फिर केज हुक, इस तरह से केज अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब बारीकी से बड़ा बड़ा फिगर यहाँ पे तो है ही। दूसरा नंबर है रॉप अरेंजमेंट एट मूसाबनी कॉपर माइंस, ठीक है, मूसाबनी कॉपर माइंस में इस तरह से रॉप अरेंजमेंट है, ठीक है। अब बोला एट कॉप केज अरेंजमेंट टू वाइंडिंग रॉप, ए टाइपिकल अरेंजमेंट ऑफ केज अटैचमेंट केज टू द वाइंडिंग रॉप इज शॉन इन फिगर, देख लिए हम लोग, फोर केज चेन्स इन द केस ऑफ ए सिंगल केज, ठीक है, सिंगल केज में फोर केज चेन होता है, ठीक है, अटैच द केज टू ए ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट विच इज कनेक्टेड ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के साथ कनेक्ट होता है, अटैच द केज टू ए ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट विच इज कनेक्टेड टू ए सेफ्टी डिटैचिंग हुक, ठीक है, जो कि सेफ्टी डिटैचिंग हुक के साथ कनेक्ट होता है थ्रू डी लिंक और बुल चेन, डी लिंक या तो बुल चेन के साथ कनेक्ट होता है, द डिटैचिंग हुक इज अटैच्ड टू द रॉक केपल, डिटैचिंग हुक जो है रॉप केपल के साथ अटैच होता है डीलिंग के सहारे या बुल चेन के सहारे, द डिटैचिंग हुक इज अटैच टू द रॉप केपल, डिटैचिंग हुक जो है रॉप केपल के साथ और जुड़ा होता है, ठीक है, विच मे बी कोन टाइप केपल और रिलायंस केपल, ठीक है, कोन टाइप केपल होगा या तो रिलायंस केपल होगा, तो कोन टाइप केपल या तो रिलायंस केपल होगा जो भी होगा, ठीक है। द ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट इज ऑफ रॉट आयरन, ठीक है, अब देखें यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट जो है वो पूछ सकता है कि कौन सा मटेरियल से बना होता है, तो ये रॉट आयरन से बना होता है और माइल्ड स्टील से बना होता है, ठीक है, द केज चेन एंड द बुल चेन एंड ऑल द डीलिंग्स आर सेकल्स एंड बोल्ट्स आर रॉट आयरन और माइल्ड स्टील, ठीक है, जितना भी डीलिंग्स है, सेकल्स है और बोल्ट चेन बोल्ट्स यूज होता है रॉट आयरन का बना होता है, ठीक है। ऑल चेन मस्ट बी एनिल्ड एटलीस्ट वंस एवरी सिक्स मंथ, जितना भी चेन है जिसको हम लोग एनिलिंग करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये करते हैं, तपाते हैं उस लोहे को, एनिलिंग करते हैं एटलीस्ट वंस इन एवरी सिक्स मंथ, ठीक है, प्रत्येक सिक्स मंथ में हम उसको ये कार्य से ये टेस्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है, जितने भी ये यूज हो रहे हैं, ठीक है, ऑल चेन्स मस्ट बी एनिल्ड एटलीस्ट सिक्स वंस इन एवरी सिक्स मंथ, ठीक है, वेरियस चेन्स लिंक्स एंड सैकल्स द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट एंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डिटैचिंग हुक मे बी मेड ऑफ 1.5% मैगनीज स्टील विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पीरियोडिकल हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, वो रहा है क्या, वेरियस चेन्स लिंक्स एंड सैकल्स द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट एंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डिटैचिंग हुक मे बी मेड ऑफ, जो कि बना होता है जितने भी चेन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है वो 1.5% मैगनीज स्टील जिसमें मिक्स होता है विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीरियोडिकल हीट ट्रीटमेंट, जिसको
पीरियोडिक हीट ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, ठीक है। अब अगला आता है डिटैचिंग हुक के बारे में जानकारी। तो डिटैचिंग हुक विच इज ऑलवेज प्लेस जस्ट बिलो द रॉक केपल, ठीक है। डिटैचिंग हुक जो है रॉक केपल के बिलो रहते हैं, ठीक है, रॉक केपल के बिलो। इज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, विच एक्ट्स वैन एन ओवरवाइंड टेक्स प्लेस। जब भी ओवरवाइंड टेक्स प्लेस होता है तो वो अपने ऑपरेशन में स्टार्ट हो जाता है, अपने काम पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू सस्पेंड द केज और स्कीप इन द हेड गियर, ठीक है। हेड गियर और स्कीप को मैंने सस्पेंड मैंने टांग के रख देता है, ठीक है, स्कीप इन द हेड गियर, हेड गियर में। इफ़ एन ओवरवाइंड अकर्स एंड एट द सेम टाइम टू रिलीज द रॉक, और उसी समय उस रॉप को छोड़ना है, तो अलॉन्ग विद द कैपल, कैपल से टू गो ओवर द हेड गियर पुली, तो हेड गियर पुली पे जाना पड़ता है, टू गो ओवर द हेड गियर पुली। डिटैचिंग हुक आर यूज ओनली फॉर वर्टिकल शाफ्ट सर्व्ड बाई ड्रम वाइंडर्स, ठीक है। जो भी ड्रम वाइंडर से सर्विंग किया जा रहा हो तो उस केस में डिटैचिंग हुक का देना बहुत जरूरी है, बट यूज आर नॉट यूज फॉर कॉपी वाइंडर्स, लेकिन डिटैचिंग हुक जो है कॉपी वाइंडर्स के साथ नहीं यूज होता है, ठीक है, याद रखना है पॉइंट, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डिटैचिंग हुक्स आर इन कॉमन, क्या है, आर्मर्ड डिटैचिंग सेफ्टी हुक और ये होता है किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक, ठीक है। आर्मर्ड डिटैचिंग सेफ्टी हुक होता है, आर्मर्ड डिटैचिंग सेफ्टी होता है, किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक होता है, टू टाइप्स ऑफ डिटैचिंग हुक होता है, ठीक है। आर्मर्ड डिटैचिंग सेफ्टी हुक क्या होता है, तो आर्मर्ड डिटैचिंग सेफ्टी हुक कंसिस्ट ऑफ 3 माइल स्टीन प्लेट, ठीक है। आर्मर डिटैचिंग सेफ्टी हुक जो है कंटेन करता है 3 माइल स्टील प्लेट, ठीक है, 3 माइल स्टील प्लेट को कंटेन करता है, 1 सेंटर प्लेट एंड 2 आउटर प्लेट्स, एक सेंटर प्लेट होता है और 2 आउटर प्लेट होता है। द प्लेट्स आर असेंबल्ड ऑन ए कॉमन सेंटर पाइवट, ठीक है, और प्लेट्स को इस तरह से असेंबल किया जाता है, असेंबल्ड ऑन ए कॉमन सेंटर पाइवट एंड ए कॉपर राइवेट 60 mm डायमीटर, ठीक है। तो 60 mm डायमीटर कॉपर राइवेट के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, पासेस थ्रू ए स्मॉल होल से पास होता है और ऑफ ऑल द प्लेट्स वैन असेंबल्ड, ठीक है। वैन एन आर्मर्ड ओवरवाइंड टेक्स प्लेस, वैन एन ओवरवाइंड टेक्स प्लेस द असेंडिंग केज राइजेज हाई, ठीक है, असेंडिंग केज जो है बहुत ऊपर उठ जाता है, राइजेज हाई एनफ फॉर द हुक टू पास थ्रू द बेल, द वेज सेव्ड पोर्सन ऑफ द आउटर प्लेट्स आर प्रेस्ड इनवर्ड्स, दिस कॉजेज द कॉपर राइवेट टू सियर द पाइप, द प्लेट्स ओपन आउट एट द टॉप रिलीजिंग द डीलिंग पिन को रिलीज कर देता है, एंड द रॉप केपल विच देन प्रेस्ड ओवर द हेड गियर पुली एट द सेम टाइम द प्रोजेक्शंस ऑफ एफ ऑफ द आउटर प्लेट्स ओपन आउट एंड हुक रिलीज फ्रॉम द रॉप रेस्ट ऑन द बेल सेट बाई वर्च्यू ऑफ द प्रोजेक्शंस एफ, द डीलिंग पिन इन द बॉटम स्लॉटेड होल्स एज्यूम्स द पोजिशंस आफ्टर ओवर वाइंडिंग एज शोन इन द फिगर, जिसे हम देख चुके हैं, द ब्लेड्स फ्रॉम रिटर्निंग टू देयर ओरिजिनल रिलेटिव पोजिशन, ठीक है। मतलब कि डिटैचिंग हुक में एक क्या होता है, एक नट होता है, ठीक है, मैंने राइवेट क्या होता है जो ओवर वाइंडिंग टेक प्लेस होने पर वो डिटैचिंग कैपल जो है कि खुल जाता है, ठीक है, और पिन उसको एफ टाइप का एक प्रोजेक्शन रहता है उसमें जाके फंस जाता है, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग खोलने के लिए हमको फिर ओवर हेड गियर पुली तक पहुँचना है यदि हम उसको फिर से तुरंत चालू करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस हिसाब से सारा वर्किंग कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू for taking more advantages from mining support. Thank you, friends.